जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों कहते हैं ना कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। और बाबू का आज SSC GT का फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया। 5 किलोमीटर रेस थी वो आज क्लियर हो गई। सभी लोग एक बार दिल से ताली बजाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से, नाम क्या तुम्हारा? शुभम पांडे से जानेंगे किस तरह उनका 5 किलोमीटर रेस रही और पूरा अपना अनुभव शेयर करेंगे। और सबसे पहले वीडियो के पहले दोस्तों और अनुभव के पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तारा लिखा हुआ बेटा पास में, दोस्तों देख लीजिए अच्छे से पूरा ओके। और इधर ये पूरे सील वगैरह लगाइए। जो बंदा पास हो जाता है वहां पर 5 किलोमीटर रेस मार देता है, उसके बाद में ये वहां पर उनको सर्टिफिकेट मिलता है। और सभी लोग एक बार दिल से ताली बजाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब इंडियन आर्मी का फिजिकल टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद में मेडिकल टेस्ट की स्लिप मिलती है छोटी वाली, और सेकेंड दिन या आने वाले दिन आपका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल फिट होने के बाद में एक एडमिट कार्ड मिलता है। और आप सभी लोग जानते हैं जब एडमिट कार्ड अपने हाथों में रहता है जब कितनी खुशी मिलती है। ये सर हो उसी तरह इस बंदे ने आज अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करा। एक बार सभी लोग दिल से ताली बजाएं। शुभम पांडे जय हिंद। नमस्कार साथियों। जय हिंद। मेरा नाम शुभम पांडे है, मैं रीवा से रहने वाला हूँ। आज मेरा, जैसा कि आज गुरुजी ने बताया, आज मेरा SSC GT का फिजिकल टेस्ट था। मैंने 5 किलोमीटर 21 मिनट में कंप्लीट किया। मैं इंदौर फिजिकल एकेडमी और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत शुभकामनाएं। मेरा तो केवल आपका बताने का तरीका था, मार्गदर्शन करने का था, लेकिन मेहनत सब आपकी है। और सभी लोग शुभम पांडे के लिए एक बार इतनी तेज ताली बजा दो, मजा आ जाएगा। शुभम, जिस तरह एक उम्मीद से, एक आज से, एक विश्वास से यहाँ पर आए थे आप कि यार इंदौर फिजिकल एकेडमी में इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं और वहां से बहुत सारे बंदे फौजी बन गए, एक उम्मीद से आए थे, लेकिन आज आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो गया तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर। मैं जब आया था 2 महीने पहले जी, तो मैं 4 राउंड लगाता था ग्राउंड के और थक के बैठ जाता था जी। और आपकी मेहनत और स्टाफ वालों की मेहनत, डंडे के दम पर आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बंदे उसमें कुछ नए बच्चे हैं, हताश हो जाते हैं और बाप रे सर तो इतना दौड़वाते हैं, है ना, तो आप इनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं ही बोलना, थोड़ा तेज बोलो, इधर बोलो तेज, तारा पास लेकर कैमरा। मैं ही सबको बंदों को बोलना चाहता हूँ कि गुरुजी जो कहते हैं वो करिए आप, और जितने चक्कर लगवाते हैं उतने लगाइए। और यही है कि इंदौर फिजिकल एकेडमी बेस्ट एकेडमी है। लव यू। मेरा तो सभी भाइयों से एक विनती है कि मैं आज दौड़वा रहा हूँ आपको, मेहनत करवा रहा हूँ, पसीने निकला रहा हूँ केवल आप लोगों के लिए। जिस तरह एक उम्मीद, एक आस से, एक आशा लेके यहाँ पर आते हैं कि यार इंदौर फिजिकल एकेडमी से हर बंदों का फिजिकल टेस्ट क्लियर होता है, ये सब आपकी मेहनत है और भगवान जी का वरदान है। यहाँ पर जो भी बंदा आया, जिसने भी मेहनत करी, वो बंदा यहाँ से इंदौर फिजिकल एकेडमी से सक्सेस होके ही गया है। कि YouTube पे देखा था उससे भी बढ़िया यहाँ पे खाना और रहना मिल रहा है, और ग्राउंड का ये बीम पुशअप वगैरह एक्सरसाइज हर चीज़ बढ़िया है। मैं सभी साथियों से यही करना चाहता हूँ कि अगर आपको इंडियन आर्मी या किसी और फिजिकल टेस्ट की तैयारी करना है तो आप इंदौर फिजिकल एकेडमी में आएँ और गुरुजी के साथ आप भी मेहनत करें। लाइक यू, थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। आप किसी भी डिफेंस से तैयारी कर रहे हैं लेकिन मेहनत आपको खुद को करना पड़ेगा, और जब आप सक्सेस हो जाएंगे आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। लव यू। जय हिंद। चलो पकड़ लो बेटा।